हाय, आज हम बनाएंगे वेरी टेस्टी ड्रम स्टिक्स विथ मटर करी। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिलाएंगे। नमक डालने से ऑनियन जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। जब ऑनियन्स ट्रांसपेरेंट हो जाए, हम 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 कप ऑनियंस ले रही हूँ, इसलिए 1/2 टेबल स्पून काफ़ी है। अब इसको भी हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही ऑयल में तल लेंगे। अब इसमें हम 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। बाद में हम चिली को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम अपना सोक किया हुआ मटर डाल देंगे। मटर डालने के साथ ही हम अपने क्लीन किए हुए ड्रम स्टिक्स भी डाल देंगे, मूंगे फली। इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए ऑयल में ऐसे ही तलने देंगे। फ्लेम को अब मैंने डाउन कर लिया है और एक मीडियम साइज टमाटर डाल लिया है। टमाटर जब थोड़ा सा वाटर छूटने लगे तब तक हम इसको पका लेंगे। कैप को डालकर इसको 2 मिनट के लिए सिम पर हम पका लेंगे। देखिए टमाटर नरम हो चुका थोड़ा सा। अब इसमें हम 1 कप वाटर डालेंगे या फिर 3-4 कप डालिए। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और 1 सीटी बड़े आंच पर रख लेंगे। बस फ्लेम बंद कर लेंगे। प्रेशर पूरा निकलने के बाद हम एक बार देख लेंगे। जब सारा प्रेशर चला जाए हम फिर से फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। इसको फिर से एक बार मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डालेंगे और एक बार फिर से इसको मिला लेंगे। देखिए बन गया हमारा वेरी टेस्टी ड्रम स्टिक्स विथ मटर करी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसको हम अभी बंद कर लेंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा ये थिकनेस आ जाएगा करी में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स। बाय।